सबसे पहले अभी सबा नहीं पहुंची हैं नौरिन नहीं पहुंची हैं लेकिन उनके सवालों के जवाब थे तो मैं जवाब देते थी वो रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे ताला तो सबा ने ये पूछा था कि साद इबन अबादा की जो मैं बात कर रही थी कि उनको चुना गया लोग चुन रहे थे उनको कि वो लीडर बन जाए अः नबी व्म के बाद तो सबा का यह सवाल था कि वो साद इबन अबादा थे या वो वोैदा इबन अबू उबैदा इबन, इबन अलजर्राह थे ठीक है यह सवाल था तो ये सबा के लिए जवाब है कि वो साद इबन उबादा ही थे साथ, क्योंकि हम बात कर रहे थे याद है आपको के की बात कर रहे थे कि वो जो थे जितने भी जो मदीना के लोग थे जिन्होंने महाजरीन को हेल्प किया था ये वो लोग थे और वो अपने किसी लीडर के घर पे जमा हुए थे ठीक है सादा उनका ट्राइब का नाम था तो जब वो वहां पर जमा हुए तो उनमें से उन्होंने किसको चुन रहे थे वो साद इबन उबादा को चुन रहे थे और वो अंसार थे और वो जो मदीना का जो हजरज ट्राइब था हजरत कबीला था उसके वो चीफ थे उसके वो सरदार थे या लीडर थे जो भी तो वो जिस तरह सभा ने पूछा था अबू उबैदा इबन जर्रा नहीं थे क्योंकि वो कुरैश के थे अब अबू उबैदा इबन जर्रा जो थे वो कुरैश ट्राइब के थे वो मक्के के थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से थे उन लोगों में से थे जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की थी ठीक है तो वो मदीना के नहीं थे वो मक्के में से थे और महाजरीन में से थे और वो उन दस अशर मुबशर से थे जिनको नबी सल ने बताया कि उनको जन्नत की खुशखबरी दी गई कि इन वो जन्नत में होंगे ठीक है ये बात क्लियर हो गई नौरीन ने सवाल किया था कि um, कुछ ऑथेंटिक किताबें बताऊं मैं इसके बारे में जो जिससे वो हिस्ट्री पढ़ सकें तो मैंने जो किताब पढ़ी थी मैंने बताया था ना इमाम सूती की किताब थी उसका मैंने नाम पढ़ा अपने बुक्स में तो उसमें है द हिस्ट्र, हिस्ट्री ऑफ द खलीफाज हु टुक द राइट वे जलालुद्दीन सयुती की है हिस्ट्री ऑफ द लेकिन शेख मुस्तफ़ा ने जो जो अपने बुक में में अपनी नोट्स उन्होंने कोट किया बार बार उन्होंने दो को ज्यादा कोट किया इबन खलदून और उनकी किताब है अलमुकदमा इबन खलदून की अल अलमुकदमा और एक उन्होंने बार बार कोट किया इब्न इबन हजर अल अस्कलानी को और वो उनकी किताब है फतहल बारी ठीक है फतहल बारी तो ये दो सवाल थे सभा के और नौरीन के जो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जवाब दे दूं। अब हम चलते हैं कि हमने लास्ट वीक कहाँ पर खत्म किया था तो लास्ट वीक हमने जहां पर रोका था तो वहां हमने ये बात की थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैरियल के बारे में की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफनाने और दफनाने के बारे में की थी कि हजरत अली रदी अल्लाह तआला तहो हज़रत अब्बास अल्लाह तआला रदील हजरत अब्बास अल्लाह तआला तनो हजरत उसामा इब्न जैद रदी अल्लाह तआला तनो जो उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स में से थे तीनों तो उनको उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसम को धोया उनको गुसल दिया और फिर उसके बाद अब ये था कि उनको कहाँ पर दफनाया जाए तो उस पे मैंने आपको बताया था कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तला उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि जहाँ पर जो नबी फौत होता है वहीं पर उसको दफना उनको दफनाते हैं तो इसलिए उनकी पलंग को उनके बिस्तर को हटाया गया और वहीं पर उस बिस्तर के नीचे उनके लिए कबर गई, और उसी में उनको दफना दिया गया और आके ने इंडिविजुअली उन्होंने सलातुल जनाजा अदा करते रहे और इतने ज्यादा लोग थे और इतनी दूर दूर से आ रहे थे कि पूरा दिन लग गया पूरी रात लग गई और दूसरे दिन जाके नबी वसल्लम को की तदफीन हुई आज हम नई चीज जो स्टार्ट करते हैं वो हम ये करते हैं कि अबू बकर रद्दील तनों के बारे में हमने देखा कि लोगों ने उनको बैठ दिया और वो खलीफा मुकर हो गए तो अबू बकर रदील तला की जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम ये भी देखेंगे कि जो अच्छे लीडर थे जिनसे जो रोल मॉडल्स थे जिनसे हमें कुछ सबक सीखने को मिलता है उनकी हम सिफात के बारे में भी बताएंगे उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनकी क्यादत की जो सिफात हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनशाला तो नबी तो अबू बकर रदी अल्लाह तनो जो है इस्लाम लाने में वो सबसे फर्स्ट एडल्ट मेल थे जो नबी स ने जब इस्लाम की बात की बात तो उन्होंने सबसे पहले इस्लाम को एक्सेप्ट किया उनका नाम सिद्दीक वसल्लम ने रखा सिद्दीक सिद्दीक सिद्दक से होता है यानी कि जो सच बोलने वाला जो हमेशा सच्चा हो जो सच्चा है एक्चुअली सच बोलने वाला भी नहीं जो ये सकते हैं जो सच्चा है ट्रूथफुल है और क्योंकि अबू बकर ने कभी भी नहीं कि नबी वसल्लम ने जो भी कहा उसको बिलीव करने से जो नबी ने कहा उसको फौरन उसी वक्त उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको बिलीव कर लिया इसीलिए वो सच्चे थे आपको याद होगा महाराज का वाक्य भी जब हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेराज के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी यही था कि जब लोगों ने आके कहा तो नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा तो उन्होंने फौरन कहा कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं तो ये सच है ये तो उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बिल्कुल हंड्रेड परसेंट उनको एतबार था और यही उनकी सच्चाई की प्रूफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर दो साल छोटे थे हजरत यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की वफ़ात हुई तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 इयर्स के थे तो हज़रत अबू बकर उस वक्त उसका मतलब 61 इयर्स के होंगे फिर अबू बकर रदी तनों को ये एज़ाज़ मिला कि वो हिजरत के वक्त सिर्फ वो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मक्के से मदीना उनके साथ गए और कुरान में भी मेंशन हुआ है जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन दो में से दूसरा तो दो में से पहले कौन थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे कौन है हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वो दोनों इकट्ठे गार में भी थे दोस्त भी थे कंपेनियंस थे और उसके बाद गार में भी हिजरत भी इकट्ठी की और उनकी बहुत सारी हिस्ट्री है उन्होंने हर मेजर इवेंट में जो भी वाकया हुआ जो कुछ भी हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उसमें हजरत अबू बकर ने जरूर पार्टिसिपेट किया उसमें जरूर उन्होंने हिस्सा लिया और फिर नौ हिजरी में नौ हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को लीडर बनाया हज के लिए यानी हज की क्यादत के लिए जब वो लोग मदीना से मक्का जा रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को हज का जो पूरा लीडर था पूरी मुस्लिम जो उस वक्त पूरे लोग जा रहे थे उनका लीडर बनाया और उनको ये भी कहा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए तो उनको नबी सल्लल्लाहु सल्लम ने ये कहा कि आप मेरे बदले आप नमाज को लीड करें मुसलमानों की मस्जिद नबवी में नबी वसल्लम अभी जिंदा थे और उन्होंने चूंकि बहुत बीमार थे तो उन्होंने हजरत अबू बकर को अपॉइंट किया कि वो तमाम मुसलमानों को नमाज में लीड करें इसके अलावा अगर पर्सनल देखा जाए तो वो नबी वसल्लम के सुसर भी थे क्योंकि हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा की शादी नबी वसल्लम से हुई थी तो नबी वसल्लम ने कभी भी स्पेसिफिकली ये नहीं कहा था कि हजरत अबू बकर मेरे बाद खलीफा होंगे या आप उनको खलीफा बनाए ये उन्होंने अहकाम नहीं दिए लेकिन बहुत सारे उन्होंने कहते हैं ना साइंस थे बहुत सारे ऐसे वाज इशारे थे जिससे पता चलता था कि नबी वसल्लम का इशारा इस लीडरशिप के लिए इस खिलाफत के लिए अबू बकर रदी अल्लाह तलाों की तरफ है कुछ स्कॉलर्स जो हैं जैसे हसन अल बसरी हैं या इमाम इबन हम्बल हैं वो कहते हैं इमाम अहमद इबन हम्बल वो कहते हैं कि अबू बकर रदी अल्लाह तहों की जो अपॉइंटमेंट थी जो उनके खिलाफत की अपॉइंटमेंट थी इशारतन हो गई थी क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को नमाज लीड करने के लिए भी कहा और हज लीड करने के लिए भी कहा तो वो ये कहते हैं और कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे इब्न हजम हैं वो ये कहते हैं कि नहीं ये इशारा तो नहीं था कि नायातन तो नहीं थे तो बिल्कुल वाजह था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु नबीलासलम ने जब भी कोई भी और भी बयान किए हैं जैसे कोई उनसे कोई पूछने आता था तो वो ये भी कह देते थे अबू बकर से पूछो मतलब उन्होंने बहुत चीजें अबू बकर के हवाले कर दी थी तो प्रॉब्ली यानी शायद नबी वसल्लम ये नहीं चाहते थे कि वो अपनी उम्मत को एक ऑर्डर दें एक हुक्म दें मतलब जैसे कि आप आप जरूरी जरूरी आप लोग बस मेरा हुक्म है और आप हजरत अबू बकर को अपना इमाम चूज अपना खलीफा चूज करें लेकिन उन्होंने इशारतन केनायतन ये बातें कह दी क्योंकि वो किसी को मजबूर नहीं करना चाहते थे किसी पे ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते थे चले अब हजरत अबू बकर खलीफा बन चुके हैं अब देखते हैं कि उनके जो शुरू के दिन थे उनके जो शुरू के अयाम थे उनकी जो दौर का आगाज था उसमें क्या क्या चीजें आई किस किस किस्म की चीजें आई किस किस किस्म की चैलेंजेस आई वो सब देखते हैं तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि जब नबी सल्म को दफना दिया उस वक्त नबी पहले मैंने आपको बताया था कि लोगों ने आके मस्जिद नब्बी में उनकी उनको बैठ दिया ठीक है या पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था तो हजरत अबू ने जितने या मेरे वहां पहले बैथ था, वो मैंने बताया लेकिन अब ये हुआ कि अब लोगों ने में उम्मत उम्मते यानी तमाम जितने भी मुसलमान थे उन लोगों ने आके और हजरत अबू बकर के हाथ पे बैठ दिया वो बैत क्या होता है जिस तरह पहले भी शायद मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे करते हैं कि हैंड शेक करते हैं जैसे कि एक अरबों के उस जमाने में जब अरब कोई अभी भी शायद करते होंगे कि वो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई भी जब एक दूसरे के साथ करते हैं चाहे वो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो कोई सेल हो कुछ हो तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ वो लोग हाथ मिलाते हैं और कहते हैं चलें, डन डन डील हो गई ठीक है ना मतलब ये एक तरीका था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन करने की जरूरत नहीं होती थी वो कहते थे बस अभी डील हो गई हमारी हो गई अब इस पे हमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है तो वो हैंडशेक होता था उसको बैत कहते थे और उसका यह मतलब है कि जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया जिसने हाथ मिला लिया तो उसको अब उनके जो लीडर हैं यानी उनके जो खलीफा हैं उनको उस वक्त तक उनकी अताद करनी है यानी उस वक्त तक उनकी उनको फॉलो करना है उनको ओबे करना है जब तक के वो खलीफा जो हैं वो अल्लाह ताला से डिसबीडियंस ना करें वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करें जब तक आपने वो अल्लाह की अतात करें तो आपने उनकी अतात करनी है ये इस किस्म का बैत था ठीक है और वो पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए था कि वो आके अपने खलीफा को, को बैत दें कि ये अब इस्लाम का झंडा है इसके नीचे हमने हर कुछ करना है तो कितने लोगों ने उस वक्त बैत दिया ये है तकरीबन तीस हजार से ज्यादा 30,000 से ज्यादा जो सहाबी थे उन्होंने आके और हजरत अबू बकर को अपना प्लेज दिया अपनी एलिजियंस दी अपनी लॉयल्टी अपनी वफादारी का बैत दिया अच्छा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं, जिसमें कहा जाता है कि अली रदी अल्लाह तला जो है उन्होंने अपनी बैत को डिले किया तखिर की उन्होंने देर से बैत दी हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तलाो को ये किसी किसी उसमें है इसको बंद कर तो लेकिन इबन कसीर जो है उन्होंने अपनी अलविदाया में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया है कि बिल्कुल सही नरेशन है सही इस्नाद है साउंड चेन है कि अली हैदी अल्लाह अनहो ने अपना जो बैत दिया अबू बकर पहला दिन था या दूसरा दिन था जब सब लोग दे रहे थे या पहला दिन था वो दूसरा दिन था अगर दूसरे दिन भी उन्होंने बैत दे दिया उसके बाद उन्होंने ये भी ऐड किया कि कभी भी हजरत अली रदी अल्लाह तला ने हजरत अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा ये बहुत बड़ी बात है अगर आप बैत देते हैं किसी को और अगर आप उससे खुश नहीं है या आप उससे राजी नहीं है तो आप उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ेंगे उन्होंने हमेशा हजरत अबू बकर को अपना खलीफा समझा अपना लीडर अपना रहनुमा समझा और उन्होंने बैथ भी दिया और उन्होंने कभी भी उनके पीछे नमाज पढ़ना नहीं छोड़ा और मुस्लिम सही मुस्लिम में भी यही रिवायत है और इबन खुजैमा ने भी यही रिवायत की है जब इतने सारे साउंड चेंज से हमें पता चलता है ये अहदीस हैं तो पता चलता है कि ये सही बात है तो जो लोगों ने कहा है कि उन्होंने बहुत दिनों बाद दिया बैत या जबी भी दिया तो वो सही बात नहीं है एक और रिपोर्ट है जिसमें ये भी कहते हैं कि फातमा रदी अल्लाह तहा जो थी वो अबू बकर रदी अल्लाह तहों से बड़ी नाराज हुई क्यों नाराज हुई क्योंकि हजरत अबू बकर नबीम की जो इनहेरिटेंस इन्ह, थी उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इसके बारे में हजरत अब बकर रदील तहों ने कहा कि मैंने नबी सलम के मुँह से ये बात सुनी है बुखारी में है मैंने ये बात सुनी है कि हम जो नबी हैं हमसे कोई इन्हरिट नहीं करता है We are not inherited from. हमारे से कोई इनहेरिट नहीं करता है और हम जो पीछे छोड़ जाते हैं वो चैरिटी होती है यानी वो सबके लिए होती है वो ये नहीं है उन सब ने एक्सेप्ट किया और ये भी सब लिखा हुआ इबन खुत ने, ने सब ने इस बात की कन्फर्मेशन किया है कि हाँ तमाम फैमिली मेंबर्स जो वरना देखे ना बीवियों को भी तो मिलता है तो बीवियों को भी नहीं मिला और बेटियों को भी नहीं मिला ठीक है तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अनहा जो है वो हजरत अबू बकर की बेटी थी और हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अनहा जो है वो हजरत उमर की बेटी थी तो अगर उनकी बेटियों को मिलती मीरास तो ये दोनों भी बेनिफिट करते ना उनकी अपनी बेटियां भी बेनिफिट करती लेकिन अबू बकर ने रदी अल्लाह तु ने अपनी बेटी के लिए भी नहीं कहा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विरासत थी उसमें कौम की कौम का हिस्सा था सिर्फ फैमिली का नहीं था और यही नबियों की मिरास का होता है एंड इसके अलावा ये है कि हजरत अबू बकर नबी की जो फैमिली थी उनकी जो बेट, उनकी जो बीमिया थी और उनके जो बेटी थी उन सब के लिए उन्होंने माल गनीमत में से उनकी तमाम जरूरियात पूरा करने के लिए उसमें से हिस्सा कर दिया तो उनको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज उनको तो हिस्सा मिल रहा था माल गनीमत से ही उनको हिस्सा मिल रहा था अच्छा अब आती है अब ये बात Uh, समझ में आती है कि uh, फातिमा रदी अल्लाह तन्हा जो है वो हजरत अबू बकर से नाराज नहीं थी लेकिन फिर वो क्यों नहीं आई वो मिलने के लिए क्यों नहीं आई इसलिए कि तमाम जितने भी हिस्ट्री uh, के रिकॉर्ड्स हैं उसमें यह है कि वो उस वक्त बीमार थी और आपको पता है कि सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसकी डेथ हुई फैमिली में फातिमा रदी अल्लाह तहा की तो वो उस वक्त बीमार थी और घर में कन्फाइंड थी कोविड नहीं हुआ था उनको लेकिन वो घर में कन्फाइंड थी अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है ये भी सब इम्पॉर्टेंट है लेकिन आगे एक और ऐसी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है जिससे हमने सबक सीखना है बहुत ज्यादा सबक सीखना है नब अः हर वक्त नबी वसम कहती रहती हूँ अल्लाह तब बस अबू बकर को भी मैं कहा करूं तो हजरत अबू बकर रद्दी अल्लाह जैसे सबसे तमाम से उन्होंने ले लिए सबने उनको अपना प्लेज दे दिया उसके बाद उन्होंने एक खुतबा दिया एक सरमन दिया समझे एक वाज़ दिया एक, एक स्पीच दी जो भी आप कह लें इस खुतबे के एक एक लफ्स को गौर से आप सुने सुनने वाला है यह खुदबा सबसे पहले उन्होंने कहा लोगों अपने लोगों को मुखातिब किया कि मैं यहाँ पर जो प्लेस किया गया हूँ आपके ऊपर एज अथॉरिटी एज खलीफा मुझे मे, मेरी तकरी हुई है मुझे, मुझे मुकर किया गया है मैं प्लेस किया गया हूँ आपके ऊपर लेकिन इवन दो आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ यू बहुत क्लियर कर दिया कि मैं आप में सबसे बेस्ट नहीं हूँ हालांकि हम ये मानते हैं as Muslims, हम ये मानते हैं सब लोग मुसलमान जो है जितने भी उलमा है वो सब ये कहते हैं कि देखिये नबी तो गुजर गए नबी सल्लम नबीम व बेस्ट प्रॉफिट चलो ये लोग गुजर गए वॉज द लास्ट प्रोफिट वो गुजर गए लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि नबी सल्लाम की वफात के बाद इस दुनिया में जो इंसान थे यानी नबी नहीं थे और, और और चोजन नहीं थे उनमें हजरत अबू बकर बेस्ट अमंग द नॉन नबी जो नबी नहीं थे उनमें बेस्ट थे लेकिन वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आई एम नॉट द बेस्ट ऑफ यू उसके बाद वो क्या कहते हैं अगर मैं कोई अच्छा काम करूं इफ आई डू गुड तो आप मेरी मदद करें देन यू हेल्प मी कितनी प्यारी बात है और फिर साथ ये भी कहते हैं अगर मैं कोई गलती करूं तो आप मुझे करेक्ट करें मेरी तस्ह करें आप देखें दूसरी बात वो कहते हैं मैं और बातें बता दूं इसके बाद फिर हम सोचते हैं तो तीसरी बात वो कहते हैं कि सच्चाई ट्रूथफुलनेस जो है वो एक अमानत है और झूठ बोलना वो एक खयानत है फॉल्सहुड ट्रूथ फुलनेस इज अ ट्रस्ट वो कहते हैं अमानत है एंड फॉल्सुड इज अ ट्रेचरी यानी खयानत है वो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आप में से जो सबसे ज्यादा वीक है जो सोसाइटी में माशरे में सबसे ज्यादा वीक है सबसे ज्यादा कमजोर है जो गरीब है जो कमजोर है वो मेरी आंखों में बहुत पावरफुल है जब तक के मैं उनके हकूक पूरे करूं तब तक मेरी मेरी आंखों में वो पावरफुल है ठीक है ना और जो लोग आप में बहुत स्ट्रांग हैं जो आप में बहुत पावरफुल हैं जो पोजीशंस पे हैं वो मेरे लिए वीक हैं वो मेरे लिए कमजोर हैं जब तक कि मैं ना देखूं कि वो अपनी वो दूसरों के वो पूरे कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहे हैं समझ में आ गई बात कि जो गरीब लोग हैं इसका मतलब ये है कि आप में से किसी को भी मेरी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ड्यू नहीं होगी उसकी स्टेटस की वजह से उसके माशरे में जो उसका पोजिशन है उसकी वजह से अगर वो गरीब है तो उसकी मेरा फर्ज है कि मैं उसकी ड्यूटी पूरी करूँ और अगर वो अमीर है तो उसका फर्ज है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी राइट्स को पूरी तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह करे फिर एक और एक बात उन्होंने की उस वक्त तक आप मेरी ओबीडियंस करें जब तक कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ओबीडियंस कर रहा हूँ जब तक मैं उनकी अताात कर रहा हूं आप मेरी अताात करें और फिर ये कहा अगर के, अगर मैं अल्लाह की अतात ना करूं अगर मैं अल्लाह की बात ना मानूं मैं कोई ऐसा काम करूं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तो फिर आपको कोई आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कोई आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप मेरी अताात करें अब ये इनगेरल एड्रेस जो था ये तारीख ही था ये हिस्टोरिक था और यूनिक था यानी अपनी नौत का एक था इन द सेंस देखें इसको अगर बिल्कुल छोटे अल्फाज में अगर हम इसको बयान करें इसको मतलब इसका अगर समरी करें तो ये पता चलता है कि एक लीडर जो है एक खलीफा जो है और वो भी खलीफा पूरी मुस्लिम उम्मा का वो ये वॉलेंटेरिली अपनी मर्जी से खुद अपनी पावर को लिमिटेड कर रहे हैं अपनी पावर को कम बता रहे हैं ठीक है ना लिमिटेड का और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है ये सिर्फ कहना नहीं जैसे आजकल लोग कहते हैं ये एक्चुअली ही मेंटेड। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके इन्फ्लुएंस को उन्होंने ऊंचा करके दिखाया कि गरीब लोगों की इस सोसाइटी में जो है उनकी कदर होनी चाहिए फिर ये देखें कि उन्होंने जो कुछ भी किसी प्रेशर की वजह से नहीं कहा कोई उनको नहीं कह रहा था किसी के दबाव में नहीं थे कोई उनको बैक नहीं कर रहा था वो खुद थे और सबसे बड़े थे उस वक्त ऑल इन ऑल थे लेकिन उन्होंने ये किया आजकल क्या है बिल्कुल बरअक्स होता है और आजकल जो हम लोग उनको अगर हम देखते भी हैं कोई उनकी बातें भी करता है तो इस तरह से करते हैं हमें इस्लामिक हिस्ट्री पता ही नहीं होती है और हम आजकल के स्टैंडर्ड से उनको इस तरह देखने जाते हैं कि जिस चीज को आजकल हम ग्लोरीफाई करते हैं यानी मेरी पोजीशन uh, होनी चाहिए मेरी बात सुनी जानी चाहिए जो मैं कह रहा हूं सब लोग माने आप लोग जो भी कह लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं हूँ ऑल इन ऑल मेरा हुक्म चलेगा इनमें से कोई भी चीज उनमें नहीं थी एक और स्पीच उन्होंने की थी जो कि उसकी भी मैं आपको अल्फाज बता देती हूँ कि वो कहते हैं वल्ला बाय अल्लाह मैं कभी भी इस बात पर की नहीं था मैं एंशियस नहीं था मुझे कोई शौक नहीं था कि ये पोजीशन मुझे मिले एक दिन के लिए भी या एक रात के लिए भी ये प्यारी बात सुने उनकी मुझे कभी भी नहीं शौक था मुझे कभी भी ये जस्तजु नहीं थी मेरी ख्वाहिश नहीं थी मेरी आर्जू नहीं थी मेरी तगोद इसमें नहीं थी कि मैं मैं कोई लड़ा नहीं हूँ कोई भरा नहीं हूँ मैंने कोई कोशिश नहीं की कि, कि मैं खलीफा बन जाऊं एक दिन के लिए भी या एक रात के लिए भी और मैंने अल्लाह तला से कभी इसके लिए दुआ भी नहीं की और अल्लाह तला से अपनी ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की ना कभी पब्लिक में ना कभी प्राइवेट में ये बात सुने सुबहान अल्लाह कि सबके सामने तो अलग बात है लेकिन कभी अकेले में भी मैंने अल्लाह ताला से ये नहीं मांगा कि मुझे ये खिलाफत मिल जाए लेकिन मुझे ये ये फिक्र ये गम था कि इस ये जो पोस्ट है ये जो खिलाफत का जो का जो एक पोस्ट है मैं इससे ईज में नहीं हूंगा मुझे यही होगी कि मैं सारा वक्त फिक्र में रहूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सीट पे आने का ये मतलब नहीं है कि अब मैं वो करूं जो मेरा दिल चाहता है अब आपने अल्लाह को ज्यादा जवाब देना है डबल जवाब देना है उससे भी ज्यादा और फिर आपने पूरी कौम का भी ख्याल रखना है तो वो इस बात की फिक्र थी उनको कि कहीं कौम बट ना जाए कहीं मुसलमान उम्मत में कोई डिविजन्स ना आ जाए और कोई ऐसा बहरान नहीं आ जाए कोई टर्मोइल नहीं आ जाए तो वो खुद अपने दिल में महसूस नहीं करते थे मतलब उनको तसली नहीं वो जरा घबराते थे इस पोस्ट को लेने में फिर उन्होंने ये भी कहा उसी स्पीच में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक बहुत ही ह्यूज बहुत ही बड़ी बहुत ही इमेंस ह्यूज नॉर्मस रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे, दी गई है और मेरे पास कोई ताकत नहीं है कोई पावर नहीं है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद बर्दाश्त करूं एक्सेप्ट सिवाय इसके अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाए ठीक है ना और फिर उसके बाद लास्ट सेंटेंस इसमें ये है कि आई विश काश कोई मुझसे ज़्यादा बंदा इस जगह को ले ले और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेरे बदले वो संभाल ले इस बात को सोचे इमेजिन करें आप कि ये पूरे मुसलमान उम्मत की पूरी मुसलमान उम्मत के खलीफा हैं एक कंट्री के नहीं है हमारा तो एक कंट्री का भी कोई बन जाता है तो वो भी अपने आप को क्या समझता है तो आज कल आप देखें कोई रूलर कोई खलीफे तो है नहीं लेकिन कोई रूलर कोई लीडर ऐसा कोई कहेगा अगर वो कहेगा भी तो क्या विल ही मीन इट या इट विल बी रियल ये तो मैं आप पे छोड़ती हूँ आप लोग खुद ही येस करें और खुद ही आप लोग अपना तजिया करें कि अब हमें क्या करना चाहिए क्या सीखना चाहिए इस पूरी स्पीचे uh, से आगे बढ़ते हैं अब अन्हों की देखनी थी। कि वो फिक्स तो नहीं थी। अब हजरत अबू बकर खलीफा है उनकी सैलरी फिक्स करनी है तो जैसे सब हो गया उसके दूसरे दिन हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तहो जो है वो अपना सामान लेके क्योंकि वो ताजिर थे वो अपना सामान लेके अपना लोड ऑफ गार्मेंट्स जो वो कपड़े जो वो बेचते थे वो लेके अपना चल पड़े मार्केट की तरफ बाजार चले गए क्योंकि तो वो ताजिर थे उन्होंने जाके कपड़े बेचने थे वरना वो खाते पीते कहा से वो जा रहे थे तो उनको रास्ते में देखा जिनका सबा पूछ रही थी उबैदा इबन अब, अब, उबैदा इबन जर्रा अबो उबैदा इबन जर्रा रदी अल्लाह तला और उमर रदी अल्लाह तला उन्होंने देखा अबू बकर रदी अल्लाह तला को बाजार जाते हुए और हाथ में गठड़ा लेके जाते हुए हाथ में थे या ऊंट पे थे या जिस पे भी थे मुझे नहीं पता तो जब वो जा रहे थे उनको देखा तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं तो अबू बकर अल्लाह उन्होंने कहा मार्केट जा रहा हूँ और क्या जा रहा हूँ बाजार जा रहा हूँ मुझे ये मेरा काम करना है तो हजरत अबू उन्होंने पूछा हजरत उमर ने कि किस लिए जा रहे हैं आप तो पूरे मुस्लिम उम्मा के इंचार्ज हैं आप उनके लीडर हैं तो आप किस लिए अभी नौकरी करने या तजारत करने या बिजनेस करने जा रहे हैं तो उन्होंने सीधा साधा जवाब दिया मैं अपनी फैमिली को कहा से खिलाऊंगा मतलब मेरी फैमिली के लिए मैं खलीफा हूं, मेरी फैमिली को कहां से खिलाऊंगा तो बहुत मतलब कहा जवाब दिया तो उस पे उन्होंने कहा कि आइए हम आपकी सैलरी फिक्स करते हैं आइए हम आपके लिए सैलरी फिक्स करते हैं ताकि आप जो हुकूमत का काम है जो उम्मत का काम है जो लीडरशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकें तो हजरत बकर को उन्होंने क्या उन्होंने अलाउंस रखी कि थोड़ा गोश्त था कितना गोश्त था नहीं लिखा हुआ है सम मीट लिखा हुआ है कुछ गोश्त था रोजाना के लिए और पूरे साल के लिए 250 यानी 250 यानि ढाई पर दिनार ईयर वो उनके लिए फिक्स किया थोड़े दिन गुजरे हजरत अबू हजरत उमर रदील्ला तहो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तहो के घर के सामने से गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि इतनी सारी औरतें वहां बैठी हुई हैं और वो उनको कोई अपना डिस्प्यूट सेटल करना है और हजरत अबू बकर राय उन्होंने कहा ये कि आप हजरत अबू बकर कहाँ चले गए ना वो लोग बैठे हुए हैं डिस्प्यूट सेटल करना है तो उन्होंने ढूंढा कि हजरत अबू बकर कहा है। पता चला कि वो फिर मार्केट में पहुंचे हुए <laughs> तो उनको बोला कि आप यहाँ हजरत उमर अब उमर रदिल्ला ते आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर हजरत अबू बकर ने कहा देखो मैं सही सही बात बताता हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपका खलीफा बनूं मैं आपका लीडर बनूं क्योंकि जो आपने मेरे लिए जो आपने सैलरी बताई है जो आपने फिक्स की है वो मेरी फैमिली की नीड्स के लिए पूरे नहीं है उनकी फैमिली थी उनकी पूरी फैमिली थी इसके अलावा वो लोगों को बहुत देते थे तो इस यही था कि उनके लिए वो कम, वो पूरा नहीं था उमर रदीला ने हम आपको और दे देंगे उन्होंने कहा मुझे ढाई सौ दिनार जो है आपने पूरे साल का फिक्स किया उसके बदले आप तीन सौ दिनार कर दें यानी कि बहुत ज्यादा डबल कर दे तीन सौ दिनार कर दें लेकिन मेरे लिए ये है कि गोश्त की बहुत जरूरत है खाने वाले लोग हैं ज्यादा तो आप मेरे लिए वहां आपको पता है ना छोटे छोटे दुम्बे हुआ करते थे तो वो वो छोटा एक दुम्बा जो है वो मेरे लिए रोज का एक कर दे। अब वो खुद तो अकेले नहीं खाते थे क्योंकि बाज लोग कहेंगे ओहो oh, oh, पूरा दुम्बा खाने बैठ गए ये अबू थे नहीं वो खुद खाते थे फैमिली को खिलाते थे और दूसरों को भी बहुत जेनरसली देते थे तो उमर रद्दी अल्लाह तु को थोड़ा सा हुआ कहते नहीं मैं नहीं अग्री कर सकता हूँ इस पे ना ये कैसे हो सकता है ना कि मैं आपको ये भी दू और ये भी दू उसी वक्त इतफाक से अली रदी अल्लाह तहो जो है वो गुजर रहे थे तो उमर रदी अल्लाह तहो ने अली रदी अनु से कहा आपका क्या ख्याल है मैं इनका इस तरह बढ़ा दूं एक छोटा कर दूं और इनके लिए ढाई सौ दिनार के बदले तीन सौ दिनार कर दूं अली रदी अल्लाह तहो ने कहा इनको दीजिए उमर रदी तमियल तनो फिर भी हेजिटेट कर रहे थे हिचकिचा रहे थे कहते आर यू श्योर तो अली रदी अल्लाह तनो ने कहा मैं सही कह रहा हूँ इनको दीजिए और इस तरह ये अग्री हो गया कि उनको देंगे तीन दिनार पूरे साल के और एक छोटा रोज का जिसको हम कहते हैं ना स्प्रिंग स्प्रिंगल्ब यहां पर कहते हैं तो ये तो उन्होंने अग्री कर लिया अब दो, दो मतलब हजरत उमर ने भी अग्री कर लिया और हजरत अली ने भी अग्री कर लिया लेकिन गैस करें हजरत अबू बकर ने क्या किया वो सीधा मस्जिद के मस्जिद में गए और मिंबर पे चढ़े मिंबर पे मतलब उसी वक्त नहीं गए होंगे नमाज का टाइम होगा तब गए होंगे और मिंबर पे चढ़े और उन्होंने माँ पे एक अनाउंसमेंट की एक अनाउंसमेंट ये की कि, कि जितने लोग यहाँ पर आप मौजूद हैं मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सैलरी ये फिक्स की गई है तो मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ आपकी परमिशन लेता हूँ कि आप सबके लिए ठीक है क्योंकि ये पैसा कौम का पैसा है ये कौन का पैसा है तो ये इसलिए वो पूछ रहे हैं कि अगर आप लोगों की इजाज़त है उनसे इजाजत ली बायदा कि ये सैलरी मेरे लिए आप लोगों को अगर मंजूर है तो फिर मैं अग्री करूँ सब लोगों ने अग्री कर दिया और उसके बाद फिर ये हुआ कि हजरत अबू बकर रद्दी अल्लाह तन जो है फिर वो अपनी तमाम की तमाम एनर्जी जो है उनको बजाय वो कपड़े बेचने के बजाय और कुछ करने के इतमान के साथ उन्होंने अपना जो खलीफे के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी तमाम तर एनर्जी तमाम तर टाइम सब कुछ उस पर लगाना शुरू कर दिया और बाद में उन्होंने कहा बुखारी में यह है कि मेरे लोगों को मालूम था कि जो कुछ के मेरे मेरे मेरा जो प्रोफेशन है यानी मैं जितने पैसे मैं कमाता हूँ कपड़े बेच के वो हमारे लिए सफिशिएंट है वो हमारे लिए काफी है हमें और पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने सालों से जाहिर है वो ही कर रहे थे और उसी में का पी रहे थे और कभी किसी से मांगा नहीं बल्कि वो सब कुछ देते थे बहुत जेनरस थे और हमेशा उन्होंने सबसे ज्यादा दिया और हमेशा इतना दिया कि हजरत उम्मर रद्दील तला अन चाहते थे कि किसी दफा उनको बीट कर लें लेकिन वो बीट ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हर दफा जब मांगा आपको याद है सीरा में हमने पढ़ा था नबी की सीरत में कि जब उनसे पैसे मांगे तो हजरत अबू बकर जो है अपने घर का सब कुछ उठा के ले आए तो जब हजरत उमर आए तो उन्होंने अपने घर की आधी चीजें रखी थी और आधी दी थी तो नबी सल्लास ने पूछा उनको हजरत अबू बकर को कि आप सब कुछ उठा के ले आए हैं तो उन्होंने कहा कि तो अपने अपने लिए क्या रखा है उन्होंने मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है लेकिन हजरत उमर जो है वो सोच वो सोच रहे थे कि बीट करेंगे आधी चीजें लें लेकिन फिर भी हजरत अबू बकर उनको बीट कर लिए थे उसके बाद फिर हाँ मैं बात बता रही थी बुखारी में यह है कि हजरत अबू बकर जो है उन्होंने कहा मेरा जो प्रोफेशन था जो मैं अपने कारोबार करता हूँ अपनी तजारत करता हूँ वो हमारी फैमिली के लिए काफी है लेकिन अब जब मैं वो कारोबार नहीं कर सकूंगा और मैं लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करूंगा तो मेरी फैमिली किस चीज पर सर्वाइव करेगी इसीलिए उनके लिए ये जरूरी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए इस सैलरी को एक्सेप्ट कर लूँ अच्छा अब ये तो सैलरी होगी नेगोशिएशन अब देखें कि हजरत अबू बकर जो खली खलीफा से पहले जो उनकी हैबिट्स थे जो उनकी आदत थी जो उनके काम थे वो उन्होंने छोड़े नहीं कब तक दे देखते हैं हजरत अबू बकर जो है, वो कुछ लोगों के लिए जाके अपने नेबरहुड में जहाँ वो रहते थे वहां लोगों की जो बकरियां होती थी उनमें से उनके लिए दूध निकाल के उनको देते दूध दोह के उनको देते थे देखिए ये काम भी जाके हमारे पास कोई करेगा लीडर ऐसा ये उनके लिए बाकायदा दूध निकाल के और उनको देते थे तो जब वो खलीफा बन गए तो एक लड़की आप लोग सब ने ने ये वाकया सुना होगा कि एक लड़की ने कहा अब क्या होगा अबू बकर तो अब खलीफा बन गए अब हमारी फैमिली के लिए कौन हमारी हमारी शिप को कौन हम वो करके देगा हमें कौन हमारे लिए दूध निकाल के देगा अबू बकर रद्दी अल्लाह तुने सुन लिया और उन्होंने उसको जवाब दिया मैं अब भी ये करता रहूंगा मैं खलीफा हूँ लेकिन मेरी ये जो नई पोजिशन है वो मेरी कोई चीज भी पहले से नहीं बदलेगी मैं वैसा ही रहूंगा वो ही चीज करूंगा जो पहले करता था तो कोई बात नहीं मैं टाइम निकाल के आऊंगा और मैं आके आप लोगों की बकरी को दूध उसमें से निकाल के आपके लिए दूंगा मैं बदला नहीं हूँ और ना मेरे कोई ऐसे काम बदलेंगे और उन्होंने अगले छह माह तक छ महीने तक उन्होंने उसी नेबरहुड में कंटिन्यू किया लोगों को दूध निकाल के देना जब तक कि वो उस नेबरहुड से निकल के और कहीं नहीं चले गए कर, जिन जिन करते थे उन्होंने वैसे ही दूध निकाल के उनको देते रहे अब इमेजिन करें हमारे लीडर्स को एक, किसी को इमेजिन कर लेना कोई जाके किसी को दूध निकाल के दे रहा है आपके बहमो गुमान में भी नहीं होगा तो अबू बकर रदी अल्लाह तन जो है वो इसी तरह एक बूढ़ी औरत थी जो कि नाबीना थी उनके घर जाते थे और उनके घर के चोर्स जो है उनके जो घर के काम है उसमें भी हेल्प करते थे और वो इतनी सुबह जाते थे अर्ली मॉर्निंग जाते थे ताकि कोई देख ना ले मतलब वो इसलिए नहीं कि वो वो बुरा फील करते थे कि लोग मुझे देख लेंगे लेकिन वो इसलिए करते थे ताकि लोग ये ना देखें कि ये उनकी तारीफ ना करें कि ओ तो इसलिए वो छुप के जो नेक काम करते थे छुप के करते थे तो वो सुबह सुबह जाके और ये काम करके आते थे उस नाबीना ना औरत के घर के हाउस होल्ड जो चोर्स होते थे वो करके आ जाते थे एक दिन हजरत उम्मर रद्दी अल्लाह तला वो भी करते थे उन्ही औरत का लेकिन उनको समझ नहीं आती थी कि कौन आके मुझसे पहले करके चला जाता है तो वो भी हेल्प करते थे जब वो क्योंकि पता था कि नाबीना ना, अपने अपनी uh, उम्मत में अपने लोगों में आपको मालूम है अगर कोई नीडी है कोई ज़रूरतमंद है अगर नाबीना ना है और बूढ़ी है तो ये आपका फर्ज है कि आप उसका काम करें खलीफा का फर्ज नहीं है लेकिन उसने उन्होंने अपना फर्ज बना लिया लेकिन हर बंदे का फर्ज है अगर मेरे नेबरहुड में कोई है तो मेरा फर्ज है आपके नेबरहुड में कोई है तो आपका फर्ज है तो हजरत उमर रदी अल्लाह तला चुप के बैठे थे कि कौन आता है मुझसे पहले आके कोई काम करके चला जाता है जब उन्होंने देखा ओ मई गॉड उन्होंने कहा ये तो अबू बकर रदी अल्लाह तला है ये खलीफा होकर भी ये सब कर रहे हैं तो ये ऐसा था उन खुलफा का किरदार एक दूसरे को बीट करने के लिए भी यानी ये उनके अमाल थे ये उनके अखलाक थे जो कि अब बिल्कुल नापैद हैं किस किस बात को हम याद करें क्या क्या उनसे सबक सीखें हर अच्छे काम में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश रहती थी और अब एक दूसरे को बुरा भला कहने में एक दूसरे को जलील करने में एक दूसरे इस चीज में सबकत ले जाने की कोशिश होती है हमारे यहाँ जो पावर में आता है वो दूसरे को बुरा भला कहता है जो दूसरा आता है वो पहले को बुरा भला कहता है बस और इस बात पे सबकत ले जाते हैं कि किसने किस को सबसे ज्यादा जलील किया और ये उनका किरदार था उनके अमाल थे उनके अखलाक थे बस अब हमें उनसे ही सबक लेना है तो ये हो गया उनके थोड़े से हैबिट्स के बारे में अगर हम बोलने जाए और लिखने जाए तो बहुत कुछ है लेकिन ये चंद चीजें चूज करके जैसे हम कुछ सबक सीख सकें इनशाला हुआ एक डिस्प्यूट डिस्प्यूट हुआ दिस्प्यूट किया हुआ एक थोड़ी सी आपस में इख्तलाफ राय हो गई किस बात पे कि जो उसामा इबन जैद थे उसामा इबन जईद थे वो उनकी आर्मी के मुतालिक आपको थोड़ा सा ब्रीफली याद दिला दो जब हम लोग सीरा ऑफ द प्रॉफिट पढ़ी थी सीरतुल नबी पढ़ी थी उसमें क्या था जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे हम उसका कनेक्शन नहीं कर सकेंगे हजरत अबू बकर के जमाने के साथ क्योंकि हर चीज उससे कनेक्टेड है जब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की की वफात हो गई वफात पा गए तो उसके बाद फौरन ये सब चीजें आई तो जो ईस्टर्न रोमन अम्पायर था जिसको कहते हैं ना बांत इंग्लिश में बिजेंशियम कहते हैं वो बिजेंशियम या बाजंतीन जो था वो जो था रोमन एम्पायर जो था वो उन्होंने अरेबिया का अरब का जो है नॉर्दर्न रीजन को ऑक्यूपाई किया हुआ था ईस्टर्न ऑफ रोम था एम्पायर था और उन्होंने नॉर्दर्न रीजन ऑफ अरेबिया को ऑक्यूपाई किया हुआ था वहां के जो गवर्नर्स हुआ करते थे उनको जो रोमी थे यानी रोमन्स थे वो खुद अपॉइंट करते थे और फुल्ली उनके कंट्रोल में था वो इलाका अरब का था लेकिन उस पर रोमियों ने कब्जा किया हुआ था ठीक है ना अब नबी सलासम को मालूम था कि ये रोमी एम्पायर जो है ये बढ़ती जाएगी अगर तो ये मुसलमानों के लिए इवेंचुअली ये एक खतरा होगा एक थ्रेट होगा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो उन्होंने उस वक्त जो एम्पायर ऑफ रोम था उसका नाम क्या था हिरैक्लियस जिसको उर्दू में या अरबिक में हरकल कहते हैं हरकल तो हरकल को उन्होंने नबी ने अपने जमाने में जब वो हयात थे उन्होंने ये एक खत लिखा और उन्होंने क्या खत लिखा आ, कुछ खत लिखा लेकिन उसमें उन्होंने उनको दावत दी ठीक है ना इस्लाम इस्लाम की दावत दी उन्होंने लेकिन हरकल ने बहुत क्लियरली उसको रिफ्यूज कर दिया कि हम आपकी दावत इस्लाम को भी नहीं कबूल करेंगे और रोमन्स में रोमियों में और मुसलमानों में कोई अलायंस भी नहीं होगी कोई उनमें इतहाद नहीं होगा कोई अलायंस नहीं होगी ये सब तो हो गया अब आठ हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया कि उन्होंने एक आर्मी भेजी उन्होंने नॉर्दर्न अरेबिया में यही जहां पर उम्मीद है लेकिन उससे थोड़ा पहले उन्होंने जगह पे भेजी जिसकी वजह से और उसका उनके लीडर कौन थे जैद इबिन हारिसा आपको याद है हारिसा कौन थे हमने सीरा में पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये वो स्लेव थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अडॉप्ट किया था ठीक है अपने बेटे की तरह उनको अडॉप्ट किया था लेकिन जब हुक्म आ गया कि अडोप्टेड बेटा जो है वो सगा बेटा लोग तो उनको जैद बिन मोहम्मद कहने लगे थे ना लेकिन जब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कुरान में आ गया कि वो अपना बेटा नहीं होता है तो ये नाम हटा दिया उनके साथ से ये भी आपको याद होगा कि उनके वालदेन उनको लेने के लिए आए थे लेकिन वो नहीं अपने वालिद के साथ नहीं गए वो तो बहरहाल अब मैं सीरत की क्लास सीरा की क्लास को नहीं रिपीट करूंगी तो आपको याद है कि जैद, जैद इबिन हारिसा थे उनको लीडर बना के नबी वसल्लम ने इस बैटल पे भेजा था जहां बैटल ऑफ मौता कहलाता है बैटल ऑफ मौता ठीक है उस मौता के बैटल में जैद इबिन हारिसा शहीद हो गए थे तो वो शहीद हो गए थे और ये किस वक्त की बात थी आठ हिजरी की बात थी तो नौ हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए खुद एक आर्मी लेके गए ये भी हमने पढ़ा था गजवाए तबूक के बारे में याद है आपको सीरा में हमने पढ़ा था गजवाए तबूक के बारे में जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी आर्मी लेके वहां पहुंचे लेकिन वहां पर रूमी आए ही नहीं उनको पता चल गया कि बहुत बड़ी आर्मी है दे दिन शुआ वो बस पीछे ही रह गए तो उसकी वजह से मतलब इनकी समझ ले एक जीत हो गई ये नौ हिजरी की बात थी फिर 11 हिजरी में यह हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पहले उन्होंने सिर्फ अभी दो दिन बाकी थे उनकी वफात में उन्होंने एक आर्मी दोबारा से उन्होंने बनाई और उन्होंने उनको भेजा उस इलाके में जो कि पैलेस्टाइन के, के बॉर्डर्स थे उस पैलेस्टाइन के बॉर्डर्स पे जो कि बाजंतनी ने कब्जा किया हुआ था वहां पर भेजा और इसमें उन्होंने किसको बनाया अब ये जो डिस्प्यूट की बात आई ना इसके लिए मैंने हिस्ट्री दी ताकि आपको पता चले उन्होंने किसको वहां पर कमांडर बनाया उन्होंने जैद जैद हारिसा के बेटे उसामा को बनाया ओके okay? समझ में आ गई कि वो जैद इबन हारिस के बेटे उसामा इबन जैद को उन्होंने कमांडर ऑफ द आर्मी बना के वहां पर भेजा रूमियों के पास अब कुछ लोग उससे नाराज भी थे क्यों नाराज थे बेसिकली दो रीजंस थे एक रीजन ये था कि उसामा रदी अल्लाह तला अनु उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे 17 साल के थे तो वो कहते थे कि ये तो इन एक्सपीरियंस जनरल है तो इसको क्या एक्सपीरियंस है क्या तजुर्बा है कि आपने इनको इतनी बड़ी फौज क्या कमांडर बना के भेज दिया लेकिन असल उनका मतलब क्या था सेकंड जो रीजन था प्रॉबेबली यही फर्स्ट था कि ये जो है एक गुलाम के बेटे के बेटे हैं यानी कि जब Uh, ये आए थे जैद बिन हारिस जब आए थे तो ये भी गुलामों के बेटे थे ना और ये गुलाम होके आए थे तो ये फॉर्मर स्लेव्स जो थे उनके बेटे थे और ये उनके बेटे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना ये अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि बहुत नाराज हुए उन्होंने कहा कि अगर आप इस उसामा इबन जैद की लीडरशिप पे इसकी इसकी पे अगर आप लोग क्रिटिसाइज करते हो तनकीद करते हो तो आप याद रखें इनके अब्बा को भी पहले किया था। आप लोगों ने, लो ने जैद बिन हारिस को भी क्रिटिसाइज किया था तनकीद की थी लेकिन फिर कहते आर बाय अल्लाह ये अरबों की है ना आदत वल्ला ही आर बाय उन्होंने कहा और अच्छी तरह है, तो नबी वसल्लम ने खुद कसम खाई है कि ये क्वालिफाइड था लीड करने के लिए वो क्वालिफाइड है लीड करने के लिए और वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है इस वक्त क्योंकि ये उसका बेटा है जो मुझे बहुत ज्यादा अजीज था मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना देती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आई स्वेर क्वालिफाइड टू लीड एंड ही वॉज वन ऑफ द डियरेस्ट ऑफ पीपल टू मी एंड दिस इज वन दिस वन इज वन ऑफ द डियरेस्ट ऑफ पीपल टू मी आफ्टर हिम ये बुखारी में है कि यानी मुझे जैद हारिसा मुझे बहुत डियर थे और ये उनके बाद उनका बेटा ये भी मुझे बहुत ज्यादा डियर है ठीक है ना उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उसामा इबिन जैद चले गए मदीना से चले गए रवाना हो गए कहाँ जाने के लिए पैलेस्टाइन की तरफ जाने के लिए उनको रास्ते में पता चला क्योंकि ये दो दिन पहले था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से दो दिन पहले उन्होंने आर्मी को रवाना किया अब उनको रास्ते में जैसे थे उनको थोड़ी दूर गए तो उनको पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा बीमार हैं तो उन्होंने वहीं पर पड़ाव डाल दिया वहीं पर कैंप कर लिया पड़ाव डाल दिया कुछ सोल्जर्स जो है वो वापस आए मदीना देखने के लिए के क्या हो रहा है ठीक है ना और कुछ सोल्जर्स वहीं पर रहे लेकिन जैसे ही उनको ये न्यूज मिली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं तो हर तरफ जहां पर जो लोग अभी खुद नहीं थे खुश नहीं थे या जो लोग अभी नए इस्लाम में थे या जो लोग अभी अम्म कोई भी रीजन हो सकती है पोलिटिकल हो सकती है उनकी रिलीज हो सकती है उनकी कोई भी रीजन थी जिसकी वजह से उधर रिबेलियन स्टार्ट rebellion बगावत स्टार्ट हो हो गई गई बगावत तो ये न्यूज भी कंफर्म हो गई कि अभी लोग बगावत पे उतर आए हैं ठीक है ना तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तहो जो थे उन्होंने वो तैयार थे उन्होंने कहा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा था उसामा रदी अल्लाह तहो को मैं भी इनको भेज रहा हूँ बस अब कुछ कंपेनियंस थे कुछ नहीं काफी कंपेनियंस थे काफी साहबा थे जिन्होंने हजरत अबू बकर रदी रदील तनों को यह एडवाइस दिया ये सिंसियर नसीहत दी उनको कि देखें मदीना में इस वक्त रिबेलियन हो रहा है मदीना में मदीना के इर्द गिर्द खास कर और अरेबिया में और बाकी अरेबिया में भी लोग बगावत पे उतर रहे हैं नबी सलासम की की डेथ हो चुकी है अभी लोग बगावत पे आ रहे हैं तो बहुत खतरनाक होगा अगर आप उसामा इबन जैद को पूरी आर्मी के साथ भिजवा देंगे और कहीं और ये ये ऐसा अपना करें लेकिन हजरत अबू बकर रضي अल्लाह तआ ने कहा नहीं अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑर्डर दे दिया था अगर उन्होंने भिजवा दिया था इनको ये चल पड़े थे मैं अब उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ जो उन्होंने किया मैं उसको पूरा करके रहूंगा इंशाल्लाह अब दूसरे जो कंपेनियंस थे यानी कि उमर रضي अल्लाह तआ भी और खुद उसामा रضي अल्लाह तआ उन्होंने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ताला को देखें, उस वक्त उस वक्त की अब वसल्लम जिंदा थे हमें डिफरेंटमत अमली को इख्तियार करना चाहिए उसके तहत हमें अभी नहीं भेजना चाहिए खुद ओसामा रदील तुमने भी कहा रदील दो इतने जो इम्पोर्टेंट थे उन्होंने भी कहा लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा तो भी हजरत अबू बकर अल्लाह जो थे उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पता है कि इर्द गिर्द बहुत रिबेलियन है इर्द गिर्द लोग अपने आप को प्रॉफिट भी क्लेम करते जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं मानूंगा एक काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने स्टार्ट किया था मैं उसको नहीं रोक सकता मतलब ये कि वो टस से मस भी ना हुए उन्होंने कहा मैंने तो भेजना ही भेजना है और जब बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ा तो अबू बकर रदील तो ने कहा इसके लिए अब शुरा की जरूरत है क्योंकि आपको पता है कि वो वो नए लोग थे कि जो कहते थे बस मैंने कह दिया तो ये होना चाहिए वो इसलिए कर रहे थे कि नबी वसल्लम ने भेज दिया था तो वो इसलिए भेजना चाह रहे थे अपने कोई उनकी जाति इसमें कोई फायदा नहीं था तो उन्होंने एक लंबी सी शूरा की मीटिंग होल्ड की काफी डिस्कशन हुई सब कुछ हुआ उसके बाद भी हजरत अबू बकर जो थे वो अपनी बात पर अटल रहे उन्होंने जब मीटिंग खत्म की उन्होंने दोबारा दोबारा से एक मीटिंग बुलाई एक सेकेंड शुरा की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं अगर मैं सिर्फ अकेला भी रह जाऊं इस सिटी में यानी मदीना में तो फिर भी मैं इस फौज को जरूर भेजूंगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेज चुके थे मैं इसको वापस नहीं बुलाऊंगा तो मैं इसको भेजूंगा तो ये डिसीजन अब फाइनल हो गया इन हतमी डिसीजन हो गया अब उनको खुद को भी पता था खुद हजरत अबू बकर को ये भी पता था कि इवन उसामा रद्दी तला के जो आर्मी में लोग हैं वो खुद भी उसामा रदी तनों से खुश नहीं है उनको या तो यही था कि ये बहुत यंग है हम उनसे बड़े हैं और हम आजाद हैं और ये स्लेव की औलाद है ठीक है ये भी था उनको ये भी डर था तो कुछ अंसार के लोग थे जिन्होंने हजरत अबू बकर को ये मैसेज भेजा कि किसी बड़े को भेज दीजिए इनसे कोई बड़ा हो उसामा से उनको लीडर बना दीजिए और कोई बाज्ज्जत हो ज्यादा नोबल हो जब ये बात बोली ना बड़े का तो ठीक था लेकिन जब नोबल की बात की बाज्जत की बात की तो अबू बकर इतने गुस्से हो गए इतने गुस्से हो गए उन्होंने ये कहा कि जब अल्लाह के रसूल ने इनको अपॉइंट किया था और आप मुझे ये कह रहे कि मैं इनको डिसमिस कर दू बहुत गुस्से हो गए फिर उन्होंने क्या किया नॉट सिर्फ के जुबानी बोल दिया पर्सनली वो खुद अपने पैरों पे चल के कदम पे चल के किसी घोड़े पे नहीं किसी ऊंट पे नहीं और जो मदीना के, के बाहर जो कैंप था मिलिट्री कैंप मदीना के बाहर इन लोगों का उसामा रद्दी अल्लाह का जो कैंप था वहां तक पहुंचे वॉक करके गए और देखा कि उसामा रद्दी अल्लाह जो है वो अभी घोड़े पे है अब ये भी वाक्य सुनना एक एक वाक्य सुनने वाला है उसाम ये खुद वो घोड़े पे हैं और ये खलीफा जो है उनके साथ पैदल चल रहे हैं उसमार है आप, के के, आप खलीफा हैं वाह ही या तो आप मेरे घोड़े पे आ जाए और या तो मैं अपने घोड़े अपने घोड़े से उतरता हूँ ताकि मैं आपके साथ चल सकू देखिये वो कमांडर हैं वो लीडर है इस वक्त वो स्लेव है जो भी है छोटे भी हैं वो घोड़े पे हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि खलीफा जो है वो जमीन पे है और मैं ऊपर हूँ तो उन्होंने ये कहा कि प्लीज मुझे इजाजत दें कि मैं या तो मैं उतर जाऊं और या तो आप मेरी घोड़े मेरे घोड़े पे आ जाए हजरत अबू बकर रद्दील्लाने क्या किया उनको उतार के घोड़े पे चढ़ गए नहीं उन्होंने कहा वल्ला आप नहीं उतरेंगे और वल्ला दोनों चीजों में कहा कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ना आप उतरेंगे और ना मैं चढ़ूंगा क्या इसमें क्या गलत बात है कि अगर मैं अल्लाह की राह में निकला हूं तो मेरे पैर भी मट्टी से आ, कवर हो जाए डस्टी हो जाए ये अल्लाह का रास्ता है और थोड़ी देर के लिए मैं आया हूँ उसके बाद उन्होंने उसामा रदी अल्लाह तहों से एक और बात कही ये भी कहने की बात है सुनने की बात है याद रखने की बात है कि उन्होंने कहा जो कि उसामा उस जो कमांडर थे उनसे इजाजत ली कि क्या मैं उमर रदी को अपने पास रख सकता हूँ उमर रदील तनो को अगर मैं अपने पास रख लू मदीना में ताकि वो मेरी मदद कर सके और मुझे मशवरा दे सके क्योंकि खिलाफत आसान काम नहीं है वो मेरे पास रहे देखिये वो खलीफा है और वो सिक्सटी से ऊंचे ज़्यादा इजाजत लें नहीं उनको कोई जरूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने क्यों किया वो चाहते थे कि बाकी लोग भी ये इस एग्जाम्पल को फॉलो करें कि जब एक कमांडर आपका है एक लीडर आपका है क्योंकि उनको पता था ना कि लोग आपस में डिवाइड हो गए कुछ लोग उनको लीडर मानना चाहते हैं कुछ लोग नहीं मानना चाहते हैं उसामा रदीलो को तो उन्होंने कहा कि ये आप लीडर हैं, आप कमांडर हैं, आपकी इजाजत उन्होंने ली ताकि बाकी लोग जो हैं, वो लोग भी इसको फॉलो करें और कमांडर की इजाजत के बगैर कोई काम ना करें उस रदील तला ने जाहिर है कि वो छोटे हैं अभी सत्रह साल के हैं उन्होंने कहा मेरी तरफ से इजाजत है उनको भी इजाजत देनी पड़ी क्योंकि खलीफा मांग रहे हैं और इन्होंने उन सब लोगों के लिए वो जो डाउट्स थे लोगों के दिलों में वो हटा दिया क्योंकि अब उनको पता चल गया कि उसामा रदील्ला अनु की क्या पोजीशन है क्या हैसियत है एज अ कमांडर एज अ लीडर सब ने उनको फॉलो करना है अब ये देखें कि अगर वो एक और लंबी चौड़ी स्पीच दे देते अबू बकरे और ये आपका कमांडर है क्या वो ज्यादा असर, असर अंदाज होता या कि ये, जो खुद ये हरकत की कि उन्होंने खुद उनसे इजाजत ली अच्छा अब क्या हुआ ये आर्मी जो है अब ये जा रही है उसमा इबन जैद की जो उस रद्दी तला की जो अभी आर्मी जा रही है तो अब अबू बकरों ने एक कुछ इंस्ट्रक्शन दिए कुछ हिदायत दी उनको और वो भी एक ऐसी हिदायत थी कि जो आज तक तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है एक स्टैंडर्ड ऐसा सेट किया कि जिसकी आज तक तारीख में कभी किसी ने रिपीट नहीं की उन्होंने ये कहा कि आप डू नॉट बी ट्रेचरस गद्दारी नहीं करना गद्दारी नहीं करना डू नॉट स्टील फ्रॉम द स्पॉइल्स ऑफ वॉर आप माले गनीमत में से कोई चीज भी निकालना नहीं चोरी नहीं करना स्टील का लफ्ज है चोरी नहीं करना डू नॉट डिसीव किसी को धोखा नहीं देना दुश्मन को भी यानी कि ऐसे होता है कि ऐसा बड़ा धोखा नहीं देना जो आपकी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज हैं वो आप कर सकते हैं लेकिन इसके अलावा आप किसी को भी धोखा नहीं देना अपने आप को भी अपने लोगों को भी और किसी को भी धोखा नहीं देना और एक और बहुत बड़ी बात की कि जब आपके जो डू नॉट म्यूटिलेट द फॉलन सोल्जर्स जो सोल्जर्स गिर जाए जिनकी जो मर जाए जो जो मतलब कुफार के जो सोल्जर्स मर जाए उनकी लाशों को मशख नहीं करना उनकी लाशों को म्यूटिलेट नहीं करना एक और बात उन्होंने की कि बच्चों को और बूढ़ों को नहीं किल करना उनको नहीं मारना अगर बच्चे हैं और बूढ़े हैं तो उनको छोड़ देना फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ्रूट ट्रीज हैं उनकी जगह पे अब ये उनकी जगह है उनके इलाके में जा रहे हैं उनके इलाके के लिए सारी चीजें उनके फ्रूट ट्रीज को मत काटना फिर ये भी कहा कि अगर उनकी कोई भेड़ बकरियां हैं, उनके कोई ऊंट हैं, उनके कोई गायें हैं, उनको भी नहीं स्लॉटर करना उनको भी नहीं जबा करना अनलेस आप के आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आपको खाने की जरूरत पड़े तो आप उनको स्लॉटर कर लें और सबसे जो इन सबसे बढ़ के जो सबसे बड़ी बात ये कि आप अगर किसी जो इबादत गह है जिसमें लोग इबादत कर रहे हैं किसी भी के अगर वो लोग वहाँ पर इबादत कर रहे हैं उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ डिवोट किया हुआ है कि वो इबादत करते रहेंगे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो उनको अलहदा छोड़ देना उनको कुछ नहीं कहना और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप बढ़े अल्लाह के नाम से मार्च फोर्थ इन दीम ऑफ अल्लाह ये आप देख लें ये अबू बकर की हिदयात है गाइडेंस है एज अ लीडर एज अ खलीफा मिलिट्री लीडर भी वही थे पोलिटिकल भी वही थे रिलीजियस भी वही थे इस हर किस्म के लीडर एक वही थे और ये उनकी उनकी अः क्या कह सकते हैं उनकी अम्म उनकी विजडम देखें कि उन्होंने कैसी प्यारी बातें कही इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है कि लोगों ने जक़ात देने से इनकार किया कुछ लोगों ने सबने नहीं तो ये अब आप जहन में रखें कि अरेबिया में कितने लोग जो मुसलमान हुए हैं जो जिसको हम न्यू मुस्लिम अब हम कहते हैं तो उस वक्त वो न्यू मुस्लिम्स थे वो नबी नबी वसल्लम की वफ़ात से कोई तो सिर्फ चंद माह पहले ही मुसलमान हुए होंगे कोई चंद दिन पहले मुसलमान हुए होंगे तो हर किस्म के लोग थे वहां पर ठीक है फॉर एग्जाम्पल यमन के लोग और नजद के लोग ये जो है वो सबसे आखिर में इस्लाम में दाखिल हुए सबसे एंड में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे एंड में लास्ट पीपल थे जो के एंटर हुए इस्लाम की फोल्ड में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफाद में सहाबियों का ये हाल हो गया कि कोई बात नहीं कर सकता था कोई बोल नहीं सकता था कोई सकते में आ गया था और हजरत उमर रदी अल्लाह तला अनहो के जैसे बिल्कुल ही उनको कंफ्यूज हो गए थे और तलवार निकाल ली थी तो आप ये सोचें कि जो लोग नए मुसलमान हैं ये तो पुराने पुराने सहाबी थे जो नए मुसलमान हैं उनका क्या हल हुआ होगा वो भी तो कंफ्यूज हुए होंगे ना उनको भी समझ नहीं आ रही होगी कि अब वो क्या करें तो कुछ ट्राइब्स जो हैं सेवरल ट्राइब्स बल्कि काफी सारे सेवरल ट्राइब्स जो हैं जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया वो इस्लाम से खारिज हो गए मतलब वो मुरतद हो गए ठीक है ना वो मर्तद हो गए बहुत सारे ट्राइब्स ने लेकिन रियलिटी ऑफ द सिचुएशन क्या थी कि वो इस्लाम से खारिज इस तरह से हुए कि वो दोबारा बुत परस्ती पे नहीं गए हालांकि बुत परस्ती उन्होंने अभी अभी छोड़ी थी लेकिन वो बुत परस्ती पे नहीं गए बल्कि उन्होंने अपना जो अल्लाह में ईमान था उसको बरकरार रखा और उन्होंने नमाज को कुछ प्रैक्टिस को कायम रखा जैसे नमाज नमाज वो पढ़ते रहे अल्लाह में अल्लाह में यकीन रखते रहे अल्लाह पर ईमान रखते रहे लेकिन उन्होंने जक़ात देने से इनकार कर दिया अब आपको समझ आती है कि अगर एक अल्लाह पे ईमान ला रहा है और अल्लाह और नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन वो जक़ुत देने से रिफ्यूज करता है तो वो क्या हो गया वो एपोस्टेट हो गया ना मतलब उसने क्या किया वो मुर्तद हो गया वो इस्लाम के दायरे से खारिज हो गया जब इस्लाम की जो बेसिक चीजें हैं नमाज रोज़ा ज़क़ात हज अगर कलमा नमाज रोज़ा जक़ात हज अगर इनमें से एक भी चीज़ को आप छोड़ देते हैं या बिलीव नहीं करते हैं रिफ्यूज करते हैं डिनाई करते हैं तो क्या होता है इस्लाम के दायरे से आप खारिज हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात है ये भी तो उन्होंने क्यों जक़ात रिफ्यूज किया उन्होंने इसलिए जक़ात रिफ्यूज किया उनके पास भी रीजन थे उनके पास ये रीजन था कि जक़त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेक्ट करवाया करते थे और वही खुद डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो वो तो हमारे वही हमारे लीडर थे वही हमारे नबी थे वही हमारे पैगंबर थे वही हमारे सबसे बड़े सरदार थे तो वो हमारे लिए, वो जब हमसे लेते थे तो उसका एक मकसद होता था कि वो खुद डिस्ट्रीब्यूट करते थे अब वो कहते हैं कि जब वो रहे नहीं तो अब हम किसी और को क्यों ये अथॉरिटी दें उनको सिर्फ ऑब्जेक्ट इस चीज पे था उनको एतराज इस चीज पे था ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्शन इस चीज पे था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसको अथॉरिटी माने कि वो जक़ात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले कुछ लोगों को ये था कि अब तो रिलीजन क्या रहा अब तो ये एक प्राइवेट एंटरप्राइज बन जाएगा मतलब अब जो लीडरशिप जो थी जो सेंट्रल थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी पूरी मुस्लिम उम्मा के वो लीडर थे अब तो ऐसा नहीं रहेगा अब तो ये समझ लें कि ये एक निजी मामला बन जाएगा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी अब तो जिसके हाथ में जाएगा वो करेंगे अब उनको इतना पता तो नहीं था ना कि खलीफा जो आए हैं अबू बकर आए हैं वो तो अभी अभी मुसलमान हुए थे कि उनका क्या किरदार होगा वो किस तरह से क्या करेंगे ये जो मदीना के इर्द गिर्द जो लोग थे वो थे इससे क्या हुआ कि या एपोस्टसी जिसको आप कह लें वो बढ़ने लगा बढ़ने लगा और ये पहले भी हुआ था ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई मुर्तद नहीं हुआ ये भी नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोग मुर्तद होते थे थोड़ी सी हिस्ट्री में फिर जाते हैं नौ हिजरी की बात है कि उसको कहते थे उस नौ हिजरी को कहते हैं द ईयर ऑफ डेलीगेशन्स

अभी उनकी बीमारी स्टार्ट हुई कि बागी लोग जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गए तो नबी सलास को पता था नबी ने उनके साथ थोड़ी सी डीलिंग की थी मैं आपको बताती हूँ कौन कौन जो मेजर बागी थे कौन कौन जो है उन्होंने वो निकले थे उनमें से एक है अल असवद अल अंसी अल असवद अल अंसी उन्होंने ये क्लेम किया कि मैं प्रॉफिट हूँ मैं नबी हूँ वो यमन में थे ठीक है यमन में याद रखें असवद अल अंसी अल असवद अल अंसी फ्रॉम यमन उन्होंने क्लेम किया कि मैं प्रॉफिट हूँ उसके बाद एक और है जो है मुसलमा अः मुसलिमा अलक के नाम से हम उनको याद करते हैं अब इस वक्त सिर्फ मुसलमा कह रही मुसलमा जो के अल यमामा में थे और तीसरे कौन थे तुले, असदी वो इराक में थे तो यमन में यमामा में और इराक में ये तीन लोग जो हैं इन्होंने प्रॉफिट हुट क्लेम की इन्होंने नबूत क्लेम की और नबी वसल्लम को पता था कि पहले दो जो हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं यानी जो यमन वाले और जो यमामा वाले यानी अल असदी और मुसैलमा और उनको ये पता था कि ये दो खतरनाक है इनको पहले डील करना चाहिए अच्छा ये भी मजे की बात देखें बुखारी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और आपको पता है कि जो नबियों के ख्वाब होते हैं वो ट्रू होते हैं ट्रू होने का ये मतलब नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने देखा एग्जैक्टली वही चीज होगी यानी उसकी जो तहवील है उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ट्रू होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा उन्होंने फरमाया बुखारी में है कि मैं सोया हुआ था और मैंने ये देखा कि मुझे दुनिया के खजाने मुझे मिले हैं आई आई हैव बीन वाज गिवन द द ट्रेजर्स ऑफ अर्थ दुनिया के खजाने मुझे मिले हैं और उसके अंदर दो गोल्ड के बैंगल्स हैं दो गोल्ड के बैंगल्स हैं और वो मेरे हाथ में डाले गए देयर वर टू गोल्ड बैंगल्स माय हैंड एंड आई डिड नॉट लाइक दैट और मुझे वो दो बैंगल्स अच्छे नहीं लगे आई उनको वही मिली कि मैं उनके ऊपर फूकू उन गोल्ड बैंगल्स के ऊपर मैं फूकू तो मैंने किया ये ख्वाब में ही है सोते में उन्होंने देखा ख्वाब था या सोते में देखा जो कुछ भी नबियों का पता नहीं चलता था जागते में भी उनको रेवोलेशन आते थे और विजन आते थे

की आखिर यही थी कि वो जो दो बैंगल्स थे उससे पता चल रहा था कि वो जो दो लोग आए हैं नबूत क्लेम कर रहे हैं उनका एम क्या था उनका मकसद क्या था उनका मकसद दुनियावी था दुनिया नबूत किसको होती है नबूत तो आखरत के लिए होती है वो तो अल्लाह के लिए होती है और अल्लाह खुद चूज करते हैं खुद अपनी मर्जी से कोई नबी नहीं बन सकता तो ये जो दो बैंगल्स थे ये पता था कि उनकी जो मकसद है मकासद है वो दुनिया है और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जब मैंने ये जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की उन्होंने इनको फूक मारी और ये इजिली चले गए उसका मतलब है कि ये दो ईजिली डिफीट हो जाएंगे इन दो को ईजिली डिस्ट्रॉय कर दिया जा सकता है तो इसीलिए जैज नबी सलम जो है जब वो फौत हुए तो उस वक्त बहुत सारे डेलीगेशन जो है जो बहुत सारे वफूत जो हैं वो नजत से आए मदीने में और अबू बकर को कहने लगे कि हम आपके साथ नमाज पढ़ेंगे लेकिन आप हमें जक़ात एग्जेम कर दें हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन जक़ात हमें एग्जेम कर दें और कुछ अरब ट्राइब्स जो हैं वो ये सोचने लगे कि जक़ात ऐसी है जैसे टैक्स आई I मीन mean, ये कलेक्ट होता था और ये एक फोर्स कलेक्ट कर रही है तो वो ये भूल गए थे उनकी दिमाग में ये बात नहीं आई या वो बस याद नहीं करना चाहते थे या समझना नहीं चाहते थे कि जकवात किसको जाती है जकत तो हुकूमत को नहीं जाती है जक़ात किसको जाती है स्टेट को नहीं जाती है ये किसको जाती है डिजर्विंग मुस्तकिन को जाती है, है नीडी लोगों को जाती है और जक़ात का क्लियर क्लियर कुरान में आ गया है कि कौन से कैटेगरीज हैं कौन से रेसिपियंट हैं जिनको जक़ात मिल सकती है जो डिजर्विंग है स्टेट को नहीं जाएगी और ये आ, आ, उसके हुकुम, आ, मतलब कोई आ, उसके कामों में भी नहीं जो कंस्ट्रक्शन वगैरह उसमें भी आप नहीं यूज कर सकते हैं बिल्डिंग पे रोड्स पे कोई भी ऐसे कामों में नहीं यूज़ कर सकते इट हैज़ टू गो टू द रेसिपियंट्स और ये जिन्होंने जक़त का मेरा अटेंड किया हुआ है उनको पता होगा ये सब मैंने सब कैटेगरीज डिस्कस किए थे जिन्होंने नहीं अटेंड किया वो एक दफा जाके देख सकते हैं स्पेशल सेशन ऑन जक़त Uh, वो उसमें ये सब बातें हैं कि कौन से लोगों को जक़ात हम देना चाहिए कौन डिजर्विंग है लेकिन आज भी आपको मालूम है ना कि कुछ लोग मैं नाम किसी का नहीं लेती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जो जकत और टैक्स को सेम थिंग समझते हैं मुझे याद है मेरी क्लास में किसी ने ये बोला था और हमने इसको डिस्कस किया था कि जक़ात और टैक्स सेम थिंग नहीं है ओके okay? आप टैक्स अलग देंगे हुकूमत को देंगे और आप जक़ात किस देंगे डिजर्विंग लोगों को देंगे अच्छा इसमें क्या हुआ कि अभी ये लोग मांग रहे हैं ये लोग आए में यमन से यमन से नजर से आए थे ना ये तो ये लोग आके ये चीजें कह रहे हैं कि हमारी जक़ात को आप खत्म करें हम हम नमाज पढ़ेंगे जक़ात नहीं देंगे अब इन हालात को और ज्यादा खराब करने में किसका हाथ था उन लोगों को जो पावर हंगरी थे जो दुनियावी उसके लिए दुनिया में हासिल करने के लिए वो अपने आप को फॉल्स प्रॉफिट्स जाहिर कर रहे थे उनको एक चांस मिल गया कहते है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई उन्होंने कहा अभी तो सिचुएशन बड़ी गड़बड़ है हालात ठीक नहीं है लोग जक़ात के बारे में कह रहे हैं चले ये ऐसा टाइम है कि हम अपनी अपनी जो प्रोमोशन है अपनी जो ये एक तहरीक है इसको हम जोर से स्टार्ट कर लें हर तरफ से ये न्यूज आनी शुरू हो गई कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जो प्रॉफिट उठ क्लेम कर रहे हैं कुछ लोग जो हैं वो प्रॉफिट क्लेम कर रहे हैं नबुवत का दावा कर रहे हैं आप ये कह लें नबुवत का दावा कर रहे हैं और वो लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर रहे हैं अच्छा तो अब जक़ात इशू के साथ साथ ये नई इशू भी आ गई कि लोग बहुत जोर और शोर से अब उनको जो नए लोग जो आए थे जो क्लेम कर रहे थे उनको प्रॉफिट मानने लगे अब जो मर्तद मुर्त, लोग थे मुर्तद्दीन जिनको कहते हैं वो इन लोगों के साथ मिलने भी लग गए और उन्होंने बगावत भी शुरू कर दी और फिर साथ साथ वो कहने लगे कि अब हम सिटीज को ऐसी सिटीज में हम अपना पावर पूरा कर लेंगे ताकि हम अपना जो अपना जो इस्लाम को हमने छोड़ दिया वो भी हम लोगों में फैलाना शुरू कर देंगे तो थोड़े अरसे में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सिर्फ चंद ऐसी सिटीज रह गई कि जिनमें जिनमें बिल्कुल फितना नहीं था बाकी हर जगह पे एक फितने का दौर आ गया और कौन सी वो तीन सिटीज थे मेनली मक्का मदीना और तइफ मक्का मदीना और ताइफ आपको याद है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब वो गए थे तो उनके साथ क्या शर हुआ था अब वही ताइफ जो मुसलमान हो चुका है पूरी तरह से अब वो उसमें फितना नहीं था वो लोग बहुत अच्छे मुसलमान हो गए मक्का मदीना और ताइफ के अलावा बाकी जगहों पे फितना शुरू हो गया अब किस किस्म का फितना था और किस किस्म की बगावत थी किस किस्म की रिबेलियन थी आपके तो उसमें चार किस्म की थी एक वो जो ये नहीं एक्नॉलेज करते थे कि हजरत अबू बकर जो है वो राइटफुल ओनर है मतलब कुछ लोग ऐसे थे मैंने आपको बताया था ना जो कहते थे कि नहीं हजरत अबू बकर जो है वो राइटफुल ओनर नहीं है इसके बदले किसी और को होना चाहिए था तो वो अपनी जकत अबू बकर रदी अल्लाह तला को नहीं दे रहे थे एक ये लोग थे जो जक़ात नहीं दे रहे थे दूसरे लोग जो थे वो वो लोग थे जो अभी मैंने आपको बताया कि वो कहते थे जक़ात तो सिर्फ नबी वसलम को ड्यू था अगर हम उनको देते थे और वो लोगों में बांटते थे अब हम दूसरे किसी को क्यों दें अब तो ये प्राइवेट मामला हो गया तो अब वो कैंसिल हो गया अब वो जक़ात रहा ही नहीं इस्लाम में ये वो लोग थे जो जो अज्यूम कर रहे थे थे तीसरे लोग वो कि फॉल्स प्रॉफिट्स को जिन्होंने की क्लेम किया था उनको उनके साथ वो लोग एफिलिएटेड हो गए थे उनको फॉलो कर रहे थे अब वो क्या थे वो किस वजह से कर रहे थे या सियासी वजह से पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या ट्राइबल रीजंस की वजह से यानी या सियासी उनकी एफिलिएशन थी या कबाइली अब वो दीन को नहीं देख रहे थे वो सिर्फ देख रहे थे कि हमने इनको फॉलो करना है तो अब वो कहते हैं जब ये हमारे नबी हैं तो अब हम इनको सुनेंगे उस उन नबी की बात हम क्यों सुने और कुछ लोग ऐसे थे बहुत छोटा सा ग्रुप था जो कि बुद्ध परस्ती पर वापस चले गए थे छोटा सा ग्रुप था और ये भी याद रखें कि जब हम एक इलाके की बात कर रहे हैं तो उस इलाके के सारे लोग नहीं थे इसमें इंक्लूडेड उस इलाके में कुछ लोग थे और कुछ लोग नहीं थे बल्कि ज्यादातर क्या थे लीडर्स थे और uh, कुछ कबाइल थे और कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने दूसरों के ऊपर कंट्रोल ले लिया था और उन्होंने पावर गेन कर लिया था जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे थे अब एक बात है कि जो खतरा था वो हमें हमें नहीं जो uh, उन लोगों को अबू बकर रद्दील तलाों को ये फील हो रहा था कि खतरा जो है वो अंदरूनी खतरा भी है फ्रॉम विद इन अरेबिया और बाहर का भी खतरा है यानी पर्शियंस और रोमन जो है उनका भी खतरा है वो फॉरन खतरा है फॉरन थ्रेट है तो वो भी है जैसे इंसान जैसे हमारे मुल्कों को भी अंदरूनी खदशा भी होता है कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ है और फिर बाहर के मुल्कों का भी डर लगता है कि वो हम पे अटैक ना कर लें तो इसी तरह वहाँ उस वक्त भी दो किस्म के खतरा थे लेकिन उनको ये मालूम था अबू बकर को कि जो जो हमारा लोकल खतरा है जो विद इन अरेबिया जो खतरा है वो ज्यादा डेंजरस है वो ज्यादा खतरनाक है उम्मत को डिवाइड करने में और फितना फैलाने में और पर्शियंस और रोम्स ठीक है हुकूमतें हैं बड़ी हैं हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना पहले लोकल को हम इकट्ठे कर लें तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की अब हजल अबू बकर ने और उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए तो बहुत सारे जो सहाबत हैं उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए किसी के भी अगेंस्ट क्यों क्योंकि उनके पास एक रीजन थी वो ये कह रहे थे कि उसाना उसामा इबन जैद की जो आर्मी है पूरी वो पूरी की पूरी इस वक्त एबसेंट है वो पूरी की पूरी इस वक्त गई हुई है महाज पे तो हम अगर कुछ करेंगे भी और वो अगर हमें अटैक भी करेंगे तो हम क्या करेंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे लेकिन आपको पता है जैसा हजरत अबू बकर जितने सॉफ्ट थे जितने वो हलीम थे जितने उनके कैरेक्टर को बताया कि इतने ज्यादा नरम मिजाज थे जब वो खलीफा बन गए तो किसी चीज़ से वो ये देखते थे कि इसमें उम्मत का क्या फ़ायदा है नबी ने क्या कहा और इस्लाम का क्या हुक्म है अल्लाह तला का क्या हुक्म है इस तरह से वो अपनी बात पे अड़े रहते थे तो ये नहीं कि वो ढीठ थे या थे तेरेजिल्ला ऐसे नहीं थे वो कहते थे कि जकवात जो है वो फर्ज है अब अगर जक़ात से ये लोग आज ना बोलेंगे और अगर हम इनको छोड़ देंगे तो कल को जकवात बिल्कुल खत्म हो जाएगी और तो इस्लाम का अहम रुकन है वो तो उन्होंने कहा वल्ला अगर मुझे आप किसी ने अगर अपनी जक़ात रोकी अगर किसी ने अपनी जक़ात को होल्ड किया विद होल्ड किया मुझसे अगर वो एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी है अगर उन्होंने रिफ्यूज किया जक़त देने से मैं उनसे लड़ूंगा जक़ात मैंने निकाल ली, निकाल ली है उन लोगों से जक़ात मैं माफ़ नहीं करूंगा क्योंकि नबी वसल्लम ने जिस तरह जक़ात दी थी जिस तरह जक़ात ली थी लोगों से इसी तरह मैं भी उसी के नक्शे कदम चलूँगा तो वो ये अपना फर्ज समझते थे एक ऑब्लिगेशन समझते थे कि इन चीजों को फॉरन फिक्स करें विदाउट एनी डिले अगर वो देर करेंगे तो ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाइए और वो ये भी नहीं सोचते थे कि मेरे पास पूरी मिलिट्री पावर है कि नहीं है इस वक्त ये काम मैंने करना है उनको ये लगता था कि इसके लिए मुझे इतनी ज्यादा मिलिट्री पावर की जरूरत नहीं है जकवात वसूल करने के लिए ठीक है ना अब यह है कि ऑल दो ये लोग नए थे इस्लाम के लिए ये लोग न्यू मुस्लिम्स थे और नॉर्मली हमको यही कहा जाता है कि जब न्यू मुस्लिम्स हैं तो उनके साथ आप नरमी बरतें क्योंकि वो अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं उन पर अगर आप सख्ती करेंगे तो इस्लाम छोड़ के चले जाएंगे हाँ ये बात सही है उनको हमने जैसे अगर पहले दिन कोई मुसलमान होता है तो इसने हिजाब क्यों नहीं पहना इसने हिजाब क्यों नहीं पहना वो मस्जिद आएगी तो उसको तंग कर देंगे वो इस्लाम छोड़ के चली जाएगी तो इसलिए उसके पीछे नहीं पड़े उसको टाइम दें अगर वो मिनी स्कर्ट्स पहनती थी अगर वो स्लीवलेस पहनती थी अब जाके उसका आप कह रहे हैं कि आप हिजाब पहनो अपने पूरी एक दिन में तो नहीं चेंज होगी हमारे अपने मुसलमान जो घरों मुसलमान घरों में पैदा हुए कितने लोग ठीक से हिजाब लेते हैं, नहीं लेते हैं तो इसलिए उनको टाइम देना चाहिए लेकिन जकत का मामला था तो हजरत नहीं ये मुझे तो बकर ने तो छोड़ दिया था जकत उनको कोर्ट करेंगे और फिर सब यही करेंगे उमर रद्दी तला पहले अगेंस्ट थे इसके लेकिन जब उनको ये बात समझ आ गई कि जो अबू बकरो कह रहे हैं इसमें वजन उन्होंने भी अग्री कर लिया। अब दो बड़े बड़े सहाबियों ने अग्री कर दिया और उन्हों, उन्हों, उन्हों एक में है, में है, कि उन्होंने कहा अबू बकर रद्ला का, का, तो का दिल खोल दिया है कि वो जाके जक़ात के लिए फाइट करें मैं समझ गया कि दिस इज द राइट डिसीजन में समझ गया कि यही सही फैसला है ये बुखारी में है इसका रिजल्ट क्या हुआ कि तमाम जो रेबेल्स थे जो बागी थे वो टीम अप कर गए मुसलमानों के अगेंस्ट और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि हम मदीना पे हमला करेंगे अब जितने भी बागी थे वो सब इकट्ठे हो गए अब आप सोचें कि अब क्या हाल होगा मदीना को किस पे लगा दिया हाई अलर्ट पे रेड अलर्ट पे लगा दिया और मदीना के लोगों को ये कहा गया कि आप लोग जो रेजिडेंट्स हैं वो लोग मस्जिद नबी में पना ले जितने भी आप रेजिडेंट्स हैं आप कोशिश करें कि मस्जिद नबवी में पन्ना लें और उसके इर्द गिर्द पूरे गार्ड्स को लगा दिया आर्म्ड गार्ड्स को लगा दिया ताकि लोगों की हिफाजत हो सके क्योंकि लोग तो अब कम हैं अच्छा दूसरी बात यह उन्होंने सोल्जर्स को लगा दिया बड़े बड़े स्कवाड्स को लगा दिया कि आप मदीना के बाहर जो है मदीना के आउटस्कर्ट जो है वहां पर आप पेट्रोल करें और आप एंट्रेंस पे गार्ड करें ताकि लोगों को अंदर नहीं आने दें और फिर अबू बकर ताला ये किया कि जो करीब के जितने भी कबाइल थे मुसलमान कबाइल थे उन सब को उन्होंने जो उनको पता था ये कमिटेड है ये फुली कमिटेड है और ये इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो गए और वो हमारे साथ जरूर मदद करेंगे उनको उन्होंने ये भेजा पैगाम कि आप हमारी मदद करें हमें आपकी मदद की जरूरत है आपके सोल्जर्स से भी और आपके रिसोर्सेज से भी तो कौन कौन से वो थे अः असलम गिफार, और का ये जो कबाइल थे ये अपने सोल्जर्स को लेके अपनी फौज को लेके और अपने रिसोर्स को लेके मदीना पहुंच गए ये सब मदीना आ गए अब ये जो है इनको अबू बकर अन्हों को ये पता चला कि ये जो और जो ट्राइब्स हैं जो उन्होंने सब जो इकट्ठे कर लिए वो कौन कौन से ट्राइब्स हैं उसमें अब जुबियान कीनाना बकर, वतफान और असद इन लोगों ने आपस में अलायंस कर लिए और वो मदीना पे हमला करने आ रहे हैं रात को आएंगे देखिए अब इतना टेंस हो गया माहौल वो रात को हमला करने आने वाले हैं अबू बकर ने औरों को बुलाया है कि सब आ जाएं अबू बकर रदी अल्लाह उन्होंने क्या किया उन्होंने एक छोटी सी आर्मी खुद ऑर्गेनाइज की ये 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 क्योंकि बड़ी आर्मी तो नहीं थी छोटी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और खुद उनके लीडर बनके, उनके बनके, उनके कमांडर बनके, वो खुद आगे निकले और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि वो मदीने में दाखिल हो हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे देखें खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैटल्स में हिस्सा लेते थे और अबू बकर रदी तनो भी खुद बैटल में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने जाके मदीने के बाहर ऐसा उनके साथ बैटल की ऐसी जबरदस्त उनके साथ बैटल की ऐसी लड़ाई की ऐसी जंग की उनके साथ कि वो जो रिबेल्स थे वो जो बागी थे वो रिट्रीट कर गए गए वो वापस मुड़ सेवरल आवर्स ऑफ फाइटिंग के बाद ठीक है ना लेकिन उन्होंने क्या किया चले तो गए पीछे तो हट गए लड़ाई तो उस वक्त खत्म हो गई लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद भी उन्होंने क्या किया उन लोगों में दहशत गर्दी फैलानी शुरू कर, कर दी दे स्टार्टेड टू देरराइज पीपल दहशतगर्दी शुरू कर दी एंड दे स्टार्टेड किलिंग पीपल लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया तो अब जो मदीने के इर्द गिर्द जो लोग थे यानी गिर्दो नवा में जो लोग थे सबर्ब्स में जो लोग थे उनको इन्होंने एक तो दहशत गर्दी शुरू कर दी एक उनको कत्ल करना शुरू कर दिया अबू बकर रदी अन्हो जब वापस पहुंचे मदीना बाहर चले गए थे ना सबर्ब्स में जब वो वापस पहुंचे उन्होंने हल्फ उठा लिया उन्होंने कसम खा ली कि ये जो जितने लोगों को इन्होंने कत्ल किया इसका बदला हम जरूर लेंगे अच्छा अलहमद लास्ा रदील्ला तला की जो आर्मी है वो 40 डेज के अंदर अंदर वापस आ गई इन वापस आ गई वो लोग जॉर्डन तक गए थे उर्दन तक गए थे और उन्होंने वहां रोमस को डिफीट कर दिया था अब उन्होंने जब रोमियो को डिफीट कर दिया ये विक्ट्री ये जो उनकी जीत थी ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी कहते हैं ना ट्रिमेंडस ब्लेसिंग थी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी क्यों नंबर वन के उसने ये इम्प्रेशन दिया कि जो कि ये फॉल्स इम्प्रेशन था लेकिन इम्प्रेशन हो गया थ्रू आउट अरेबिया और अरेबिया के बाद भी तमाम जितने भी लोग थे उन पर ये इम्प्रेशन पड़ गया कि देखें मुस्लिम्स जो है ना वो अपने फॉरेन एनिमीज के साथ डील कर सकते हैं और अपने लोकल जो उनके पास फितना है उसके साथ भी डील कर सकते हैं एट द सेम टाइम मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है ना कि आप अपने अरबों के अंदर जो डिसेंट कर रहे हैं, उनको भी आप जो जो आप इतना रहे हैं, उनके साथ भी डील करें और साथ साथ वो अपने जो बैरूनी जो उनके जो जो उनके फॉरेन जो उनके एनिमीज हैं, उनके साथ भी डील कर रहे हैं अच्छा एक तो ये है कि लोगों को ये आई इसमें रोमन्स भी बड़े शॉक्ट हो गए रोमन्स जो थे वो ये कहते थे कि इतना बोल्ड स्टेप अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को कुछ अरसा गुजरा है और ये मुसलमान इतने मुनजम हो गए कि इन लोगों की शौक में होना चाहिए था और अभी से ये लोग इतने ऑर्गेनाइज हो गए कि इन्होंने लोगों को डिफीट करना शुरू कर दिया तो रोमन्स भी बड़े हैरान थे जो नॉर्थ में जो अरब्स थे उनके ऊपर क्या हुआ वो उनके ऊपर तो मैंने आपको बताया था ना कि रोमन्स ने उनको ऑक्यूपाई किया हुआ था और उनके ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ था अपना गवर्नर भी रखा हुआ था बिजनतिनी हुकूमत के अंदर थे ना वो लोग तो उन लोगों के दिमाग में भी ये आ गई अब बात बैठ गई कि हम रोमन से इतना डरते हैं लेकिन हमारे अपने जो लोग हैं वो माशाल्लाह इस काबिल हैं कि हम रोमन से ना डरे तो इस तरह जो है पर्शियंस और रोमन्स दोनों जो हैं वो इस बात से उन्होंने कहा कि अब हम अटेम्प्ट करने के लिए कि हम मदीना पे हम चढ़ाई करें हमला करें उसको थोड़ा सोच समझ के करेंगे बिफोर वी डू एनीथिंग वो थोड़ा हेजिटेट करने लगे और उन्होंने कहा हम सोच समझ के कदम उठाएंगे इसी तरह जो एपोस्टेट थे जो के गद्दार थे जो के रिबेल कर रहे थे जो के के हो गए थे उनके दिलों में भी खौफ बैठ गया अच्छा और इन सब चीजों अलावा एक बात और हो गई क्योंकि जब पे इनकी जीत हुई इनकी फतेह किया इन्होंने रूमियों को तो उस वक्त जो उनको मालिक गनीमत बहुत सारा मिला जो कि बैटल में लोग छोड़ के चले गए थे वो मुसलमानों के पास आ गया तो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप भी ऊंची हो गई और रिलीजली भी जकवात का मसला भी ऑलमोस्ट हल हो गया और जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी जो उनकी माशी हालत थी वो भी बेहतर हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक जंग की वजह से जो कि करना था कि नहीं करना था बहुत इस पर मीटिंग्स हुई सब कुछ हुई लेकिन हजरत अबू दूर अंदेशी, अंदेशी देखें और नबी वसल्लम को फॉलो करने का देखें किस तरह उन्होंने अतायत की तो अगर नबी आदमी भेजिए तो मैं भेजूंगा और इस तरह जब उनकी जीत हो गई तो इतने सारे ब्लेसिंग्स हो गए उनकी धाक बैठ गई लोगों को पता चल गया कि मुसलमान माशा मजबूत है कमजोर नहीं है ठीक है मेरा ख्याल यहाँ से अब हम रोकते हैं ताकि जो क्वेश्चन है हमारे पास नाइन मिनट्स रह गए तो मैं इधर इसको बंद करती हूँ और आप लोगों के सवाल Uh, है तो मुझसे पूछे क्वेश्चन जीनत इर्शादा मिसबा कोई सवाल नहीं है नहीं जज्ला समझ आ गई सब अच्छा लग रहा है है ना और किसी को कोई सवाल कोई कमेंट इर्शादा आपको अच्छा लग रहा है आपका शायद म्यूट होगा आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है आपको अपना माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा सभी हाँ, आपकी तबीयत कैसी है अलग मेरी आवाज फीलिंग बेटर नाउ

हम हाँ. वो गेस्टर कर ले बजाय yes. बोल दें बच्चे देख लें वो देख लें yes. ले, ले, ले। hmm. तो ये ये भी अच्छा होता है कि कोई हमें ना यानी hmm. आपकी क्लास गिव्स मी दैट हेड्स अप कि आज पूरा दिन करना क्या है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आर यू देयर और इट्स जस्ट योर आईपैड नो It was good, kind of scary because uh, not a lot of social distance there. Yeah. So you um, Houston goethe. Houston went Oh my God, Houston, to be bad. Houston, to like it could be one of the news. I could be one of the worst. Yeah, you know, uh, actually, when I got there, it wasn't so bad. But as I was there, I was hearing news that it's getting worse. So I kind of got scared. But you know, um, we do what we can. You know, अल्हम्दुलिल्लाह आप खैर से वापस आ गए अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुर्सलीन व रब्बिल आलमीन